मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, प्रतिष्ठा की लड़ाई होती तो ये प्रतिष्ठा मुझे मठ में ही मिल जाती। योगी आदित्यनाथ ने सदन में ये बयान दिया था 7 साल 148 दिन। इतने सालों से सीएम योगी लगातार सीएम बने हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम बनने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है। जी हां, अब तक सबसे लंबे समय तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रहे हैं। इसके साथ ही सूबे की सियासत में उनका मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल हो गया है। योगी आदित्यनाथ से पहले ये उपलब्धि कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम रही है। 1954 से लेकर 1960 के बीच लगातार 5 साल 344 दिन सीएम रहे, और योगी से पहले उनका ही लगातार इतने लंबे समय का जो है पद पर रहने का रिकॉर्ड रहा था। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो आपके मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो समेत कोई भी उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका था। जबकि मायावती ने 4 बार और मुलायम सिंह ने 3 बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली थी, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम योगी की गिनती उन नेताओं में भी होती है जिनके नेतृत्व में प्रदेश में किसी पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी। 25 मार्च 2022 को जब योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने नारायण दत्त तिवारी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। नारायण दत्त ने साल 1985 में अविभाजित उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बनने के बाद देखा जाए तो योगी प्रदेश के पहले सीएम हैं जो लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए हैं। जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में चुकी थी तो कुछ पल के लिए ऐसा लगा था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ हर बार साबित कर चुके हैं, हर बार उन्होंने साबित किया है कि यूपी की जनता को योगी पर कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, कितना सम्मान है, कितना अपनापन है। वो सब कुछ जो योगी अपनी जनता से उम्मीद रखते हैं, यूपी में जो कानून व्यवस्था है, महिला सुरक्षा पर खासा ध्यान है, वो सब जमीन पर बखूबी दिखती है। इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। बहरहाल, इस 15 दिनों के अंदर जो तेवर, जो अलग अंदाज योगी आदित्यनाथ के बदले हैं, जो सुर योगी के बदले हैं, एक एक कर आज आपको वो सब सुनना चाहिए। सबसे पहले आते हैं उनके उस बयान पर जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उन्होंने भरी सदन में कहा था, मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, अगर मुझे प्रतिष्ठा चाहिए होती तो मठ में भी मिल जाती। वो बयान एक बार फिर से आज सुनते हैं, सुनिए। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं? इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। सदन में योगी ने कुत्ते बिल्ली की कहानी सुनाकर भी मजे लिए, याद होगा आपको, और महफिल, पूरी महफिल लुट ली थी। वो भी एक बार आपको आज सुनाते हैं, सुनिए। आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। 4 ठग थे, एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सब पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं, और अलग अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोलें कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता है तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। बोलता है, उसको भी डांटता है, अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है, फिर तीसरा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है,
चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही है, उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 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 पाकिस्तान को योगी आदित्यनाथ ने ऐसे पानी पिलाया था कि बेचारा पाकिस्तान भी कुछ करने या कहने से हजार बार सोचेगा। वो वायरल बयान भी आपको सुनाते हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पाकिस्तान अब भारत में विलय होगा या फिर उसका इतिहास समाप्त हो जाएगा। सुनिए। 1947 के पहले उद्घोषणा की थी आजादी की त्रासदी, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। इसके अलावा भी योगी आदित्यनाथ के कई बयान हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहे हैं और लोग उन बयानों को खूब ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। एक अलग तेवर, एक अलग अंदाज, एक नया फॉर्म जो कि बहुत पुराना रहा है उनका, बीच में हालांकि वो फॉर्म गायब दिख रहा था लेकिन फिर से वही अवतार, वही फॉर्म, वही एक जोश के साथ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम पहले भी हुआ है, जिस तरीके से काम अब तक हुआ है, वो काम करना, कुछ अलग ही तेवर में योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं आजकल। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप अपना चैनल अपना उत्तर प्रदेश न्यूज देखते रहिए और हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। शुक्रिया।